हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम आपको एक बहुत ही रोचक विषय पर बताने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक संबंधों की दुनिया भर में चर्चा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बार ये चर्चा मालदीव के बारे में क्यों हो रही है? हाँ, आपने सही सुना, भारत और मालदीव के बीच आर्थिक संबंधों में बदलाव आया है और इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। तो चलिए इस रोचक विषय पर और जानकारी हासिल करते हैं। भारत ने मालदीव के लिए आर्थिक सहायता में कटौती की है और इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान ने मालदीव को आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है। भारत की ओर से मालदीव को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती के बाद पाकिस्तान ने दिखाया है कि वह मालदीव के साथ है और उसके विकास में मदद करेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मालदीव के राष्ट्रपति को फोन करके उनके साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। दोनों राष्ट्रपतियों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। तो क्या यह संकेत है कि पाकिस्तान, जो अभी IMF से लेकर चीन, UAE और सऊदी अरब के सामने हाथ फैला चुका है, अब मालदीव की मदद करने के काबिल भी है? जिसका खुद का घर नहीं चल रहा, वह दूसरों की मदद क्या ही करेगा? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने मालदीव को कब कब आर्थिक सहायता दी है। वैसे तो पाकिस्तान ने हमेशा मालदीव के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखा है, लेकिन इस बार यह आर्थिक सहायता का वादा करने के बाद कुछ नया लग रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए नए दिशा निर्देश बना रहा है। मालदीव और पाकिस्तान के बीच आर्थिक संबंध और भी मजबूत हो गए हैं जब से दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ समझौते किए हैं। इससे न केवल दोनों देशों के बीच के संबंध मजबूत हो रहे हैं, बल्कि इससे भारत के लिए भी एक चिंता का विषय बन सकता है। भारत ने भी मालदीव के लिए बजट में कटौती की है, जो कि खासकर मालदीव के लिए बड़ा आर्थिक आवंटन था। इससे भारत मालदीव संबंधों में भी एक नया मोड़ आया है। क्या यह दोनों देशों के संबंधों में बदलाव का संकेत है, या फिर यह सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा है? यह तो समय ही बताएगा। पाकिस्तान और मालदीव के बीच आर्थिक संबंधों के माध्यम से दोनों देशों को एक दूसरे के साथ और भी अधिक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में भी एक नया रुख आ सकता है। इससे उनका दावा भी साबित होता है कि वे अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए नए नए कदम उठा रहे हैं। मालदीव के लिए भी यह समय है कि वह अपने आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत बनाए और देश के विकास के लिए नए संभावनाओं का शिकार हो। इससे वह अपने आर्थिक संकटों से निकलकर एक नया रास्ता चुन सकते हैं। आखिरकार दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में बदलाव का होना सामान्य बात है, लेकिन यह दोनों देशों के लिए भी एक नया और उम्मीदवार चीज है। इससे दोनों देशों के बीच और भी अधिक साझेदारी और समर्थन के माध्यम से नए नए दरवाजे खुल सकते हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान और मालदीव के संबंधों के बारे में। पाकिस्तान ने मालदीव के साथ कई बार संबंध बनाए हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मालदीव द्वारा उठाए गए सभी कदमों का समर्थन किया है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय का बयान भी यही दावा करता है। इन संबंधों की शुरुआत 26 जुलाई 1966 को हुई थी और दोनों देश फिलहाल चीन के करीबी माने जाते हैं। चीन पाकिस्तान और मालदीव को पैसों से मदद करता है और मालदीव के हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू चीन समर्थक हैं। सत्ता में आने के बाद उन्होंने चीन से भी यात्रा की और राष्ट्रपति बनते ही मुइजू ने भारत से मालदीव की धरती से सेना हटाने को कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। बजट में मालदीव को भारत की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि में इस साल कटौती की जा रही है। मालदीव के लिए आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 22% कम कर दिया गया है और भारत ने 2023-24 के बजट में मालदीव के लिए 770.90 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो 2024-25 के अंतरिम बजट में 600 करोड़ रुपए कर दी गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।